सल्यूशंस। सल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कॉम्पोनेंट्स। होमोजीनियस से मेरा मतलब ये है थ्रू आउट द सल्यूशन हम कहीं पर भी देखें तो जो सल्यूशन का कॉम्पोजिशन है, वहाँ की जो उसकी प्रॉपर्टी है, वो सारी की सारी यूनिफॉर्म मिलनी चाहिए। और जब भी हम सल्यूशन बना रहे हैं तो सल्यूशन में दो या दो से ज़्यादा कॉम्पोनेंट हो सकते हैं। इस चैप्टर में जब हम सल्यूशंस की बात करते हैं तो हम टू कॉम्पोनेंट सिस्टम्स की ही बात करते हैं, और ऐसे सल्यूशंस बाइनरी सल्यूशंस कहलाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली बाइनरी सल्यूशंस पढ़ेंगे। एक सल्यूशन में टिपिकली दो कॉम्पोनेंट होंगे, सल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ज़्यादातर मेजर कॉम्पोनेंट होता है, और जो सॉल्वेंट की स्टेट है वही सॉल्यूशन की स्टेट होती है। अब डिपेंडिंग अपॉन स्टेट ऑफ सॉल्यूट और स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, मैं नौ तरह के सॉल्यूशंस बना सकता हूँ। पहला सेट है जिसमें सॉल्वेंट गैस है, गैस इन गैस जैसे एयर हो गई, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिल गए, लिक्विड इन गैस जैसे क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन हो गया, या सॉलिड इन गैस जैसे कैम्फर इन नाइट्रोजन हो गया। ये तीनों ही सॉल्यूशन गैशियस होंगे बिकॉज सॉल्यूशन का स्टेट सॉल्वेंट के स्टेट पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के ऊपर नहीं। इसी तरीके से अगर मेरा सॉल्वेंट लिक्विड हो तो उस सेट में भी तीन तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, गैस एंड लिक्विड जैसे वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन हो, लिक्विड इन लिक्विड जैसे मैं वाटर में एथेनॉल मिला लूँ, या सॉलिड इन लिक्विड जैसे मैं वाटर में शुगर मिला लूँ। थर्ड केस है जबकि मेरा सॉल्वेंट सॉलिड हो, इसमें भी तीन एग्जाम्पल हो सकते हैं, गैस एंड सॉलिड जिसे पैलेडियम में हाइड्रोजन का डिजॉल्व होना। पैलेडियम एक मेटल है जिसके इंटर एटॉमिक स्पेस में हाइड्रोजन के एटम्स जा कर के बैठ जाते हैं। लिक्विड इन सॉलिड, सोडियम और मरकरी का एक एलॉय है जिसे हम सोडियम एमलगम बनाते हैं, जिसमें मरकरी सल्यूट होता है और सोडियम सॉल्वेंट होता है, या सॉलिड इन सॉलिड जैसे सिल्वर इन गोल्ड। इस चैप्टर में हम लोग मेनली वो सॉल्यूशंस पढ़ेंगे जिनमें सॉल्वेंट लिक्विड हो। हम लोग गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ेंगे जहाँ पर हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड देखेंगे। फिर हम लोग लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस देखेंगे, इनका वेपर प्रेशर वगैरह निकालेंगे, और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस देखेंगे, इनके वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, और इनको यूज़ करके कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाई। अब जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है ये कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग यूनिट से फर्स्ट इज मास परसेंट। मास परसेंट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये किसी भी नॉर्मल परसेंटेज की तरह से होता है, न्यूमरेटर में मास ऑफ सॉल्यूट होगा, डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, और जैसे हम परसेंटेज में चीज़ों को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि 10 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 70 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मास परसेंट ऑफ शुगर। मास परसेंट में न्यूमरेटर में मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट था, मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर 10 ग्राम है बिकॉज इट्स गिवन की 10 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 70 ग्राम ऑफ वाटर। डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन था जो कि डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन अगर 10 ग्राम ऑफ शुगर और 70 ग्राम ऑफ वाटर है तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 80 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब 80 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम शुगर है तो मास परसेंट हो जाएगा 10/80 × 100 जो कि 100/8 यानी कि 12.5% हो जाएगा। अगली यूनिट है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म 100 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये भी किसी नॉर्मल परसेंट की तरह से है, बस जैसे पिछले एग्जांपल में हम मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन ले रहे थे, वॉल्यूम परसेंट में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। टिपिकली ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए यूज किया जाता है जहां पर हम मास मेजर करने के बजाय वॉल्यूम मेजर करना प्रेफर करते हैं। इसका यूज समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि 20 ml ऑफ एथेनॉल इज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 60 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड इट्स वॉल्यूम परसेंट।
तो वॉल्यूम परसेंट के लिए न्यूमरेटर में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है जो कि 20 ml गिवन है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है जो कि 60 ml गिवन है, इसलिए वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा 20/16 × 100 जो कि 100/3 अप्रॉक्सीमेटली 33.3% आ जाए। नेक्स्ट यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालने में एक प्रॉब्लम आ गई, जो न्यूमरेटर है वो मास और डिनोमिनेटर है वो वॉल्यूम है, तो पिछले दोनों एग्जाम्पल्स में जब हम मास परसेंट या वॉल्यूम परसेंट निकाल रहे थे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम यूनिट्स में थे, तो मैं कोई भी यूनिट ले सकता था, पर चूंकि यहाँ पर न्यूमरेटर मास और डिनोमिनेटर वॉल्यूम है तो मैं कोई भी यूनिट नहीं ले सकता हूँ, तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर में जो मास है उसको हमेशा ग्राम में लेंगे और डिनोमिनेटर जो में जो वॉल्यूम है उसको हमेशा ml में लेंगे। यानी कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व टू फॉर्म 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इसको भी देखने के लिए एग्जाम्पल करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि 20 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 80 ml सोल्यूशन, फाइंड इट्स मास बाय वॉल्यूम परसेंट। यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम परसेंट के लिए मुझे न्यूमरेटर में मास ऑफ सोल्यूट चाहिए जो कि 20 ग्राम है और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए जो कि 80 ml है। यहाँ पर फिर से मैं बता दूँ कि मास हमेशा ग्राम में लेंगे और वॉल्यूम हमेशा ml में लेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज ये नॉर्मल किसी परसेंटेज की तरह से है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100/4 25%। इसका मतलब इस सोल्यूशन का मास बाय वॉल्यूम परसेंट 25 है या 100 ml सोल्यूशन में 25 ग्राम यूरिया डिजॉल्व है। नेक्स्ट यूनिट कंसंट्रेशन की है ppm। ppm जैसे हम लोग अभी तक परसेंट की बात कर रहे थे वैसे ही ये कंसंट्रेशन पर मिलियन में डिनोट करती है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व टू फॉर्म 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर पार्ट्स कैन बी ग्राम और मिलीलीटर यानी कि वॉल्यूम और मास दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे परसेंट में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते थे वैसे पार्ट्स पर मिलियन में न्यूमरेटर में मेरे पास नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट होगा, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन होंगे और इसको 100 की जगह पर 10^6 यानी कि 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पार्ट्स पर मिलियन टिपिकली बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन है ज़्यादातर केसेस में इसकी जगह अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट ले लूँ तो बहुत ज़्यादा एरर नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि 1030 ग्राम ऑफ सी वाटर कंटेन 6 mg ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ गई कि जो ऑक्सीजन का मास है वो मिलीग्राम में गिवेन है और वाटर का मास ग्राम में गिवेन है। जब भी हम कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं तो पीपीएम में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम यूनिट में लेना ज़रूरी है, तो हम क्या करेंगे दोनों ही नंबर्स ग्राम में ले लेंगे। इसका मतलब जो पीपीएम में कंसंट्रेशन हो गया वो हो गया पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन जो कि 6 mg है, इसे मैं कन्वर्ट कर लूँ तो 6 × 10^-3 ग्राम हो जाएगा, दिस इज मास ऑफ सोल्यूट। डिनोमिनेटर में मुझे मास ऑफ सोल्यूशन लेना चाहिए था जो कि 1030 ग्राम सॉल्वेंट है और 6 mg ऑक्सीजन है। अब 1030 ग्राम में 6 mg ऐड किया या नहीं किया कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए डिनोमिनेट हम डायरेक्टली मास ऑफ सोल्यूशन की जगह मास ऑफ सॉल्वेंट यूज़ कर लेंगे, यानी कि डायरेक्टली 1030 ग्राम ले लेंगे और इसको पार्ट्स पर मिलियन करने के लिए 10^6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10^-3 यहाँ पर 10^3 कर देगा, इसको कैंसिल करें तो ये 1.03 हो जाएगा। यानी कि इस सॉल्यूशन का
जो पीपीएम कंसंट्रेशन है वो 6/1.03 5.8 ppm आ जाए, यानी कि 1 मिलियन पार्ट्स में अप्रॉक्सीमेटली 5.8 पार्ट ऑक्सीजन इस सी वाटर में है। अगला कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स। चूंकि यहां पर हम लोग बाइनरी सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर में मोल्स ऑफ सोल्यूट है और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं। बाइनरी सोल्यूशन में चूंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट दो ही कॉम्पोनेंट हैं, तो डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ जाएंगे। इसे हम टिपिकली एक्स से डिनोट करते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं कि अगर मैं आईथ कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूँ तो एक्स आई इज इक्वल टू एन आई, जहाँ पे एन आई इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आईथ कॉम्पोनेंट अपॉन सबमिशन एन आई। टू कॉम्पोनेंट सिस्टम के लिए एक्स वन की वैल्यू एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू हो जाएगी, और सिमिलरली एक्स टू की वैल्यू एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू हो जाएगी। चूंकि ये दो कॉम्पोनेंट सिस्टम है और एक्स वन और एक्स टू फ्रैक्शंस हैं, तो एक्स वन प्लस एक्स टू की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन इट्स 20% बाई मास एक्वस सॉल्यूशन। तो ये दो कंपोनेंट सिस्टम है, एक कंपोनेंट इथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया, दूसरा कंपोनेंट वाटर हो गया। यहाँ पर कंसंट्रेशन 20% बाई मास दिया गया है, तो अगर मैं टोटल मास 100 ग्राम ले लूं तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का मास 20 ग्राम है और वाटर का मास 80 ग्राम है। तो मुझे दोनों चीज़ों के मास मिल गए, मुझे दोनों चीज़ों के मोल चाहिए, उससे मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलर मास निकालना पड़ेगा C2H6O2। तो कार्बन के लिए 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन के लिए 6 × 1 और ऑक्सीजन के लिए 2 × 16 करेंगे तो ये सम 62 आ गया। इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलर मास 62 आ गया। वाटर का मोलर मास 18 है, 2 हाइड्रोजन और 16 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल 20/62 हो गए, जो कि 0.322 है। मोल्स ऑफ वाटर, इसको मैं N2 से डिनोट कर रहा हूँ, ये 80/18 हो गए, जो कि 4.444 हो गया। इसलिए X1 की वैल्यू विच इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल इज N1 विच इज़ 0.322 अपॉन N1 + N2, यानी कि 0.322 प्लस 4.444। इन दोनों को ऐड करके 0.322 को इससे डिवाइड करेंगे तो X1 की वैल्यू आ जाएगी 0.068। अब X2 निकालने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं X2 को डायरेक्टली 4.444 अपॉन सम ऑफ 0.322 प्लस 4.444 कर लूं, पर यहाँ पर ज़्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है इसलिए X2 की वैल्यू 1 − X1 होगी। 1 में से 0.068 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा 0.932। इस तरीके से दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ गया। अगला हमारा जो कंसंट्रेशन मेजर करने का यूनिट है वो मोलैरिटी है। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकालने के लिए न्यूमरेटर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होगी। अगर ये मिलीलीटर में हो तो फिर मुझे उसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम है
कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ 450 ml एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH। तो जब हम मोलैरिटी निकालेंगे तो न्यूमरेटर में मोल्स ऑफ NaOH है, मेरे पास 5 ग्राम NaOH है, 5 ग्राम NaOH की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन NaOH का मॉलिकुलर मास 40 होता है, 5 अपॉन 40 यानी कि 0.125 मोल। तो मोलैरिटी में न्यूमरेटर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए 0.125 और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है जो कि यहाँ पे 450 ml दिया है, पर जैसा हमने पीछे देखा था कि हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में लेना है तो 450 ml इज इक्वल टू 0.45 लीटर्स, इसलिए मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.125 अपॉन 0.278 मोल पर लीटर। मोलैरिटी को हम मोल पर लीटर या कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो हम ये भी कहेंगे कि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.278 मोलर है और इसे हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। अगली कंसंट्रेशन की यूनिट मोलैलिटी है। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है कि अभी तक जैसे मैं मोलैरिटी निकाल रहा था तो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है। तो पहला डिफरेंशिएटिंग फैक्टर तो ये कि मोलैरिटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होती है जबकि मोलैलिटी में डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का मास होता है। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे, और मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में दिया है तो बहुत अच्छा, अगर ग्राम्स में दिया है या किसी और यूनिट में दिया है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। प्रॉब्लम यह है कि कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 12 ग्राम ऑफ यूरिया इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालें तो न्यूमरेटर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर 12 ग्राम ऑफ यूरिया गिवन है, जिसे हम कन्वर्ट करें मोल्स में तो ये 12 अपॉन यूरिया का मोलर मास 60 होता है यानी कि 0.2 मोल्स हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में 0.2 हो गया, डिनोमिनेटर में मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट ना दे करके 200 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूशन 200 ग्राम है, इसमें 12 ग्राम यूरिया है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो सॉल्वेंट का मास 188 ग्राम हो जाएगा, और चूंकि मोलैलिटी में मुझे मास ग्राम में नहीं किलोग्राम में चाहिए होता है तो इसको मैं 0.188 किलोग्राम कर दूंगा। तो इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1.06 मोलल, या इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1.06 स्मॉल m मोलल। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेशन। हमें मालूम है कि टेम्परेचर चेंज होने के साथ किसी भी मटेरियल का और इसी तरह से सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम वेरी करता है। तो वो कंसंट्रेशन की यूनिट्स जिनमें कहीं वॉल्यूम आता है, जैसे वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट या मोलैरिटी, ये यूनिट्स टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर चेंज होने के साथ ये यूनिट चेंज हो जाती है। लेकिन अगर हम इसके अलावा जो हमने यूनिट्स पढ़ी जैसे मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, ppm या मोलैलिटी, इन सारे यूनिट्स में कहीं मास या मोल्स हैं और मास और मोल टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करते, तो इन यूनिट में टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है।